बोर्डिंग पास में स्टैम्प लगता है, वो स्टैम्प बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हाल? मेरा नाम रितु है। साथ ही साउंड से थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, अ बिग 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 थैंक यू, एंड टू द पीपल हु वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब इट फ्री। एज ऑफ नाउ टुडे आई एम गोइंग बैक होम एंड दिस ब्लॉग इज टोटली इन्फॉर्मेशन ब्लॉग। कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में बहुत कुछ है देखने के लिए। अगर आपको मन है बाहर जाने का, अगर आपको एंथ है बाहर जाने का, लेकिन आपको थोड़ा सा डर लगता है कि बाहर जाना कैसा होता है, एयरपोर्ट से कैसे फ्लाइट पकड़ते हैं, तो वो ब्लॉग ये आप जरूर देखना। दिस इज अ टोटल इन्फॉर्मेशन ब्लॉग। वी टॉक अबाउट इमिग्रेशन, वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी चेक इन, आई हैव अ लेओवर इन लंदन, तो कैसे एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में जाते हैं और कैसे कस्टम होता है, सब कुछ इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। सो आई एम गोइंग इन, दिस इज आउटसाइड द IGI एयरपोर्ट, लेट्स सी हाउ दिस जर्नी अनफोल्ड्स। लेट्स रोल। तो मैंने अभी एंट्री कर ली है एयरपोर्ट के अंदर, एंड दिस इज हाउ द एयरपोर्ट लुक्स। एयरपोर्ट के पीछे देर आर डिफरेंट सेक्शन आपको दिखेगा, जैसे ABCD, एंड देर आर अदर ऑप्शंस। माई फ्लाइट इज फ्रॉम वर्जिन अटलांटिक, दैट इज इन L रो, एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कुछ पूछना है देर बी सेल्फ हेल्प डेस्क, आप वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो कि आपको कौन सी फ्लाइट कहाँ मिलेगी, एंड दैट इज वॉट इम्पॉर्टेंट इज कि आपको घबराना नहीं है किसी से, आपको कुछ पूछना है तो आप आराम से पूछ सकते हो। I am right now outside the luggage drop area. This is where I'll get the boarding pass. Boarding pass एक ऐसा document होता है जो आपको allow करता है कि आप यहाँ से वहाँ जा सकते हो। This is an authority from the airline जो आपको देते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। Also this is the place जहाँ पे आप bag drop करते हो। यहाँ पे मैं bag drop करने वाली हूँ, pack as light as possible, बहुत कम सामान लेके जाओ, एंड अच्छी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयरलाइन का पॉलिसी पढ़ो। अगर आप पहली बार बाहर जा रहे हो तो पॉलिसी पढ़ लेना, हर एक अलग अलग एयरलाइन का अलग अलग बैगेज लिमिट होता है, तो वो आपको फॉलो करना है ज़रूरी से। ऑल्सो देर आर थिंग्स लाइक चार्जर और पानी, वो सब आप ये वाले बैग में नहीं डाल सकते, वो सब आप पैकिंग बैग में डालना जो कि मेरे पीछे है। This is what the international departure looks like. I have to go inside. This is for the immigration. Immigration में the person can ask you specific questions. आपको बस calm down होकर आराम से उनको answer करना है। And ये मेरा passport है, ये मेरा boarding pass है, and right now I am taking and going inside the international departure. आपको जाना वहाँ है जहाँ पर Indian passport holder लिखा होगा, there will be different kinds of lines over there. So आप Indian citizen है तो आपको Indian passport holder में जाना है, और आपको अपना इमिग्रेशन में अपना कोई सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब देना है, आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना है, आपको अपना पासपोर्ट दिखाना है, एंड दैट विल बी थ्रू। ओके, सो इमिग्रेशन डन, आई एम राइट नाउ गोइंग फॉर सिक्योरिटी। इमिग्रेशन में उन्होंने मुझसे दो छोटे सवाल पूछे कि मैं अगर मैं किसी कंट्री में जा रही हूँ, जो मैं US जा रही हूँ, तो मैं US क्यों जा रही हूँ और मैं कितने टाइम के लिए जा रही हूँ। ऑल्सो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं यहाँ कब आई थी। सो आराम से आपसे जो भी सवाल पूछे इमिग्रेशन वाले, वो आप जवाब दे दो। दे लुक फॉर द वीज़ा, जो अगर आप जिस कंट्री में जा रहे हो उसका वीज़ा आपके पास है या नहीं। बहुत सारी कंट्रीज आजकल हमें वीज़ा और अराइवल दे रही है, तो अगर आपके पास वो वाली कंट्री में आप जा रहे हो तो वो बोल दो। अगर आप US या लंदन या यूरोप में ऐसा कोई कंट्री जा रहे हो आपके जिसके पास वीज़ा होना चाहिए, तो वो आप दिखा दो, एंड देन विल बी थ्रू। दिस इज द इमिग्रेशन गेट जहाँ से मैं आई, एंड राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर द सिक्योरिटी चेक। ओके, सो आई जस्ट पास द सिक्योरिटी चेक, एंड दिस इज व्हाट द सिक्योरिटी चेक लुक्स लाइक। आपको पीछे मेरे ट्रेस दिख रही होंगी, ये ट्रेस के अंदर यू हैव टू कीप योर मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सारे बैग सब कुछ यहाँ पे रखवाना पड़ेगा। अगर आपने कुछ बड़ा जैकेट बॉम्बर ऐसा कुछ पहना तो आपको वो भी उतरवा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा, बहुत लंबी लाइन होती है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि जब भी आप सिक्योरिटी चेक से पास ऑन करें, बोर्डिंग पास हाथ में रखें। इंडिया में अगर आप सिक्योरिटी चेक पर पास होते हो तो बोर्डिंग पास में स्टैम्प लगता है, वो स्टैम्प बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोर्डिंग पास साथ में लेके आने का, स्टैम्प उसमें डालवाना और फिर आप सिक्योरिटी चेक से पास हो जाओ। नाउ जस्ट टू गिव अ स्मॉल रिमाइंडर, हमने सबसे पहले आए, हमने बैग ड्रॉप किया, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू हमने इमिग्रेशन किया, स्टेप नंबर थ्री हमने सिक्योरिटी चेक किया, एंड दिस इज व्हाट इज देयर बिहाइंड। दिस इज अ ड्यूटी फ्री जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है। यहाँ पे आपको अल्कोहल, मेकअप, परफ्यूम्स, चॉकलेट्स और ये सब बहुत सस्ते दाम पे मिलता है, बिकॉज देयर इज नो ड्यूटी। अगर आपको इंटरनेशनल ब्रांड कुछ खरीदने का इंटू है तो आप वो खरीद सकते हो यहाँ से। सो एज सून एज यू एंटर द ड्यूटी फ्री एरिया, आपको गेट्स देखने पड़ेंगे, आपको कौन से गेट से आपकी फ्लाइट टेक ऑफ होगी। ऑल्सो ये बोर्डिंग पास है, बोर्डिंग पास में मेंशन होता है, जैसे मेरा 01 है कि मुझे वहाँ से जाना है। अगर आपको नहीं दिख रहा है वहाँ पे तो
पीछे आपको इन्फॉर्मेशन डेस्क दिखेगा, यहाँ से आप पूछ सकते हो इन्हें कि ये मेरा बोर्डिंग पास है, मैं कैसे जाऊँ और कहाँ से जाऊँ, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। पीछे ऑल्सो देर आर स्क्रीन्स, एज यू कैन सी ये वाली स्क्रीन्स यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होता रहता है कि कौन सी फ्लाइट कितने बजे कहाँ से कौन से गेट से टेक ऑफ होगी, तो वो जाके देख सकते हो। एज अभी आई रीच आई थिंक एन आवर अर्ली बिफोर द बोर्डिंग, तो मैं अभी आई एम गोइंग अपस्टेयर फूड कोर्ट में। अच्छा फूड कोर्ट में बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पे मैकडी है, यहाँ पे बर्गर्स है, यहाँ पे साउथ इंडियन जॉइंट है, यहाँ पे डोमिनोज है, काफ़ी कुछ ऑप्शन है। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं फूड कोर्ट में क्या क्या है, क्योंकि 3 घंटे एडवाइजेबल होता है बट एट टाइम्स जल्दी पहुँच जाते हैं, जैसे मैं पहुँच गई दिन में फ्लाइट में। तो बस अब हम ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं ऊपर खाने को क्या क्या है। इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द वन दैट आई नोटिस इज द फैक्ट दैट यहाँ पे जो खाना है थोड़ा सा महंगा मिलेगा आपको, जो कि बाहर नहीं है। अगर सेम चीज़, सो आई एम ईटिंग लाइक वेजी राइट नाउ, सो दिस इज फॉर आई इम्पॉर्टेंट फॉर 135-136 रुपीज़। यही चीज़ आपको अगर आप कहीं और खाओगे आउटसाइड एयरपोर्ट, आपको आई थिंक 80-90 रुपीज़ मिल जाएगी। सो अगर आपको डेली IGI एयरपोर्ट पर आके कुछ खाना है तो आई थिंक जो भी उसका वैल्यू है उससे 30-40 रुपीज़ एक्स्ट्रा आप मान लीजिए। सो एज आई मैंशन बिफोर, मेरा गेट नंबर 1 से बोर्डिंग है। आई एम जस्ट राइट आउटसाइड गेट नंबर 1, आपको मेरे पीछे देखेगा। ऑल्सो आपको यहाँ पे मैंशन होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है इट्स ओपन प्रायोरिटी बोर्डिंग। अभी डेल्टा में बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है गेट नंबर 1 से, और बस लंदन मेट्रो में अगर आपको जाना है आपको यहाँ बैठना है। पीछे ये वाली जो जगह है आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी बोर्डिंग होगी, फिर आपके साथ आपसे पहले मतलब होगी फर्स्ट क्लास बोर्डिंग, फिर आपकी बारी आएगी। तो आराम से पेशेंटली बैठना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपकी बारी कब है, आप लाइन में लग जाएगा। देयर आर डिफरेंट सेक्शंस, उसके हिसाब से आपको लाइन में लगाया जाता है, ABCD, डिपेंड अपॉन कि आपकी सीट कहाँ बुक है। तो बस आप वहाँ पे सेक्शन में लगना और आपकी बारी आएगी तो आप चढ़ जाना। Aircraft and right now I am going for flight connection because I have one more flight till JFK. Right now I am in London Heathrow Airport. जब भी मैं एग्जिट करोगे देर आर टू साइंस जो आपको फॉलो करने हैं। एक तो आपको एग्जिट करना है, अगर आपका लास्ट डेस्टिनेशन है तो आप एग्जिट कर सकते हो। अगर आपका फ्लाइट कनेक्शन है लाइक मेरी तरह तो आपको फ्लाइट कनेक्शन वाले पेमेंट पर फटाफट से जाना है और जल्दी से अपनी नई फ्लाइट पकड़नी। तो ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग कुछ यहाँ पर टेक इन द कॉन्सेंट्रेशन अबाउट द फैक्ट कि आपको कितनी देर लगेगी वो गेट नंबर पे पहुँचने पे जो आपका मेंशन है। यहाँ पे लंदन एयरपोर्ट में जैसे कि यहाँ पे मुझे गेट नंबर 22 पे जाना है, विच इज 22 20 मिनट्स फ्रॉम नाउ। तो मुझे यहाँ पे फ्लाइट टर्मिनल दिखेगा कि मुझे कौन से टर्मिनल पे कौन से गेट नंबर पे जाना है, और यहाँ से आई कैन कैलकुलेट एग्जैक्ट डिस्टेंस कि मुझे कितना टाइम लगेगा। So I've just landed now. There are 3 steps to follow. Number 1, we are going towards immigration. Immigration is the process which allows us towards the United States or any other country. Number 2, we will collect our check-in bags. जो हमने check-in किया था New Delhi airport पे वो हमें यहाँ मिलेगा। Number 3 is the customs and then we'll be out of the airport. After you board the flight, you have to rush towards the immigration counter. Immigration counter has different visas in terms of कौन से visa पे कौन से वाली line जाएगी, so you have to keep an eye कि आपके पास कौन सा visa है। If you are coming over here in US and if you have B1 B2, that is a visitor visa. So visitor visa की line में जाएंगे, he will ask you simple question कि आप कितने देर के लिए यहाँ पे हो, इस country में कितने दिनों का आपका stay plan है and आपका कौन रहता है। If you are working over here, he will ask you questions कि आप कौन सी company में काम करते हो, and then you can take an exit from there. Also he will take your photo and thumb impression. So आराम से कामली, इफ देयर इज अ लैंग्वेज इज अ बैरियर कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से उनको बताएंगे तो वो समझ जाएंगे। आफ्टर यू डन विद इमिग्रेशन यू विल कम टू कलेक्ट योर बैगेज। इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि जब भी फ्लाइट लैंड करती है इट इज फ्लाइट रिस्पॉन्सिबल टेल यू कि कौन सा बैगेज आपका कौन से वाले आइल पे आएगा, तो वो आप सुनना एंड यू हैव टू कलेक्ट योर बैगेज दैट
I have collected right now. These are here. Also, उसके बाद you have to exit. So वहाँ पे once you are exiting, there'll be custom people, custom officers standing over there. Maybe they'll have a dog. तो वो आप ध्यान से आना. अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं लानी चाहिए, the one that I mentioned before, वो आप mention कर देना. Otherwise, it'll be a big problem and you are out of the airport now. This is 10:30 PM in the evening. It is my time to go back home. I hope you really like me. I hope you like my effort. I hope you like my vlog of going out of the country for the very first time. बहुत basic, बहुत explain करके मैंने ये vlog बनाया है. So अगर आपको कुछ भी पूछना है और तो आप comment section में पूछ सकते हो. अगर आपको अच्छा लगा, आपको क्या करना है, like, share, comment, subscribe. अगर आपने like कर दिया है तो share करना, share कर दिया तो comment करना, comment कर दिया तो please subscribe करना. Subscribe कर दिया है ना तो प्लीज़ प्यार बनाए रखना.